पब्लिक प्लेस है मोम भवन, और हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं निजामुद्दीन स्टेशन से देहरादून के लिए, और अपनी ट्रेन नंबर है 12401 निजामुद्दीन से देहरादून ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, मसूरी घूमने के लिए जा रहे हैं। तो मैं उस ट्रेन ब्लॉग भी बनाई लेता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर बनाते हैं सारे, और इस ट्रेन की बात करूँ तो पीछे से आ रही ट्रेन, और हमने इस ट्रेन की टिकट भरतपुर से बुक किया हुआ था क्योंकि ना यहाँ से मिल नहीं रहा था, और जस्ट एक हफ्ते पहले ही बुक किया था हम लोग यहाँ से। फिर बुक कर लिया आउटर स्टेशन, हमने अपना यहाँ का स्टेशन डाल दिया था तो ठीक है। और जस्ट ट्रेन ना अभी हमारी 10 मिनट पहले आ गई थी, जस्ट हम लोग अभी पहुँचे ही हैं, तो जस्ट मैंने लेट ही ब्लॉग स्टार्ट किया है। और स्टेशन में ज़्यादा कवर नहीं करने वाला, एक दो स्टेशन कवर करूँगा क्योंकि अभी 11:30 बज रहा है, तो क्या ही ज़्यादा कवर कर पाऊँगा, तो एक दो स्टेशन जो भी ट्राई करूँगा एक दो कवर करने की। और यहाँ पर हमने भी कुछ लिया था खाने पीने का जो कि मैंने आप लोग दिखाया था, पानी वगैरह हमने ले ली और कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ खाते पीते जाएंगे। और हम लोग सारे हमारा ग्रुप जा रहा है फ्रेंड्स का, तो जो भी हमारा आगे का ही ब्लॉग रहेगा वो सारा मैं अपने आप लोग सब कंटिन्यू रखूँगा इसके बाद। तो ठीक है, चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ आप लोगों को, टाइम भी होने वाला ट्रेन के निकलने का। तो क्या करोगे, ले लो एक पैकेट ले लो, बहुत है। अभी हम लोगों ने जो खाने पीने का लिया था हुआ ये कि वो एग कंटेनिंग था, अभी हमने ये वेज वाला ले लिया केक रात को खाने पीने के लिए, हम लोग कुछ खाके तो आए नहीं थे, अभी हम लोगों ने ये ले लिया है। और बाकी को सामान वहाँ रखा हुआ है, मजे से देख रहे हैं लोग विंडो में से। चलो तो चलते हैं। तो मैं एक बार आप लोगों को इसका इंटीरियर भी दिखाई देता हूँ, इधर प्लग दिया हुआ है, इधर प्लग दिया हुआ है, इधर सामान रखने का, और इधर प्रभाकर राय जी काम चालू कर चुके हैं लाते ही। साइड अपर साइड लोअर, अपर सीट अपनी है, बाकी इधर अपर अपनी है, और इधर लोअर सीट भी अपनी ही है, बाकी मैंने कई बार दिखाई रखा है आप लोगों को। थर्ड एसी का इंटीरियर तो बार बार क्या ही दिखाना, बट फिर भी गाजियाबाद जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है DZB, और प्लेटफॉर्म हमारी ट्रेन का जो स्टॉपेज है यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का ही है, तो जल्दी से देखते हैं ब्लॉग खत्म फिर चलते हैं। और इस प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करूँ तो ये 1965 के करीब ये ओपन किया गया था, और 75 के करीब इसको रीइलेक्ट्रिफाइड किया गया था, तेजी से क्यों भाग रहा भाई पता नहीं, बट 2 मिनट का स्टॉपेज है तो ट्रेन खुलने वाली है, चलते हैं बैठते हैं। सीट पर ज़्यादा कुछ है नहीं स्टेशन के बारे में, हो सकता तो मैं इसका मेरठ स्टेशन है, तो मेरठ का ब्लॉग मैंने पहले भी शूट किया हुआ है, बट फिर भी अगर मैं जगह रहा तो जरूर शूट करूँगा, अदरवाइज मैं जाके होता हूँ। अभी इवनिंग भी बहुत तेज़ आ रही है, थके हैं पूरे दिन, तो चलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, और अभी हम सुबह सुबह पहुँच गए देहरादून ऑन टाइम, हमारी ट्रेन पहुँच गई है यहाँ पे, और हरिद्वार में तो मेरी मैं जब उठा तो क्या हुआ था पहले ही बिफोर पहुँच गई थी ट्रेन, और यहाँ का ऑन टाइम बस थोड़ा देर हम लोग बैठे थे, बिल्कुल 5 बजे से पहले ही ट्रेन ने हमें छोड़ दिया, तो जा रहे हैं यहाँ पे देखते हैं आस पास एक घूम सकते हैं, तो वो
बाकी पूरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हैं, एंड फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।